हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राजस्थानी जायका चैनल पर। और आज हम बना रहे हैं पोटैटो वेजेस, तो चलिए शुरू करते हैं। पोटैटो वेजेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चार पांच मीडियम साइज के पोटैटो ले लिए हैं। इसका छिलका हटा लिया है। अगर आप छिलका नहीं हटाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। अब हम इसको कट करेंगे। इस तरह से आपको एक आलू लेना है और इस तरह से बीच में से इसको कट कर लेना है। फिर इसको लंबा लंबा इस तरह से काटना है, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा। ये देखिए, इस तरह से आपको काटना है। ये देखिए, हमने सारे आलू इस तरह से काट लिए हैं। अब हम इनको पानी में डाल देंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक बोल में पानी ले लिया है। अब हम ये आलू इसमें डाल देंगे। दस मिनट तक आलू को पानी के अंदर डाल के रखेंगे ताकि इसका स्टार्च जो है वो थोड़ा सा निकल जाए। आलू को पानी में रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर एक बोल पर मैंने छलनी रख दी है। अब इसमें ये सारे आलू डाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब हम आलू को थोड़ा सा बॉईल कर देंगे। पूरी आलू को हमें सिर्फ 50% तक बॉईल करना है, पूरा बॉईल नहीं करना है। सिर्फ 10 मिनट के लिए हम इसको पानी में बॉईल करेंगे। ये देखिए, आलू को बॉईल होते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, ये सारे आलू हम एक छलनी में निकाल रहे हैं। 10 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है। अब हम इसमें आधा कप मैदा डालेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे, 1 चम्मच बेसन डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ज्यादा पतला होना चाहिए। ये देखिए, बैटर ना ज्यादा गाढ़ा है ना ज्यादा पतला है। ये देखिए, अच्छे से पोर हो रहा है। ये देखिए, चम्मच को भी पीछे से कोट कर रहा है अच्छे से। ये हमारी स्लरी तैयार हो गई है। ये देखिए, यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम एक एक करके आलू को इस तरह से इसमें डुबोएंगे। आलू पर पतली ही कोटिंग आनी चाहिए, ज्यादा मोटी नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, तेल गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके इसमें आलू डीप फ्राई कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखें। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको बाहर निकाल देंगे। इसी तरह हम सारे पोटैटो फ्राई कर देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, तैयार है क्रिस्पी पोटैटो वेजेस। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।